नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात उस मीटिंग की जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हुई अयोध्या में। इस मीटिंग में तय हो गया कि किस दिन से राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले दो तारीखें दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए। अयोध्या के सर्किट हाउस में हुई इस मीटिंग में तमाम वो लोग शामिल हुए जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, जिसमें नृत्य गोपाल दास समेत चंपत राय और सरकार की तरफ से नुमाइंदे भी शामिल हुए। ट्रस्ट के गठन के बाद ये पहली बड़ी मीटिंग थी जिसमें सभी ट्रस्टी शामिल हुए। इसका मकसद था कि आगे कंस्ट्रक्शन की योजना कैसे होगी और क्या आगे होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो तारीखों के अलावा इस मीटिंग में दो बातें और तय हुई। पहली की ये गर्भगृह की ऊंचाई कितनी होगी, तो इस मीटिंग में तय हुआ कि 161 फीट गर्भगृह की ऊंचाई रखी जाएगी, यानी मंदिर की ऊंचाई 161 फीट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा इस मंदिर में अब 3 गुंबद की जगह 5 गुंबद होंगे। इससे पहले संतों की तरफ से लगातार मांग हो रही थी कि भव्य मंदिर बनना चाहिए जिसकी ऊंचाई भी बढ़ाई जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में तय किया गया कि मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई बढ़ाई जाए और ये फैसला आखिरकार हो गया। अयोध्या के सर्किट हाउस में ये मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली, जिसमें ट्रस्ट के सभी लोग शामिल थे। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए किन तारीखों को आ सकते हैं। इसके चलते दो तारीखें तय की गई, 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख पीएमओ को दी गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करके बताएंगे कि आखिरकार वो किस तारीख को अयोध्या आएंगे। मंदिर के निर्माण को लेकर के तमाम विवाद भी थे जिनका निपटारा करने के लिए इस मीटिंग में चर्चा हुई। हालांकि ये बातें बहुत छोटी थी जिनको चर्चा के बाद खारिज कर दिया गया, लेकिन ऊंचाई को लेकर जो बड़ा फैसला होना था वो आखिरकार तय हो गया है। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के बैठक होने की बात पर ये थी खास पेशकश यूपी तक की। यूपी की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।